रॉयल मुगल कथक कोरियोग्राफर एंड कथक डांसर. आई एम वर्किंग 50 ईयर्स. माई टीचर इज उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाला, उस्ताद बिरजू महाराज दिल्ली, उस्ताद शादो महाराज दिल्ली, एंड आई एम ऑल्सो उस्ताद सम्राट सिद्दीक सम्राट. माई वर्क इज वेरी डिफिकल्ट. कथक डांस इज 1001 एक्शन नृत्य एंड ऑल टाइम. माई ऑल स्टूडेंट्स आई हैव 20,000 माई चिल्ड्रन. यस ठीक है स्टूडेंट चिल्ड्रन, बट अब मैं आप उर्दू में उनको बताती हूँ कि मैं जो अपना हमारा कथक की लैंग्वेज है. ठीक है. हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा काम है, हम 50 साल से हमने सीखा, 50 साल से हमारे बेशुमार आर्टिस्ट आए. पाकिस्तान में सूफी अज़म बहुत ज़्यादा है, मगर कथक जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कथक भी अब हमारे यहाँ की नई नस्ल के बच्चों ने अब शुरू किया है, जो प्योर है और रॉयल मुग़ल के हाथ से, क्योंकि ये मुग़ल दरबार से ये चला था. और हमें जो सबसे ज़्यादा मदद की है रॉयल मुग़ल से वहाँ, और उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो. हज़रत अमीर खुसरो सूफी कलाम में हम लोगों को कथक में बहुत ज़्यादा मदद मिली, और रक़्स दरवेश एंड उसके अलावा बेशुमार डांस हैं, और 1001 अंदाज है हमारा जो कि हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया. हम कोशिश करते हैं कि वो अंदाज और वो नृत्य और वो जो भितम है वो हमारे यहाँ के बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारे एक बहुत मशहूर शायर थे जोश मलिह आबादी, उन्होंने कहा था जो रक्स है वो आज़ा की शायरी है. अब ये जो है हमारा जाहिर है कि ये प्रैक्टिस होती है. अब हम लोग योगा में भी ये इस्तेमाल होता है, ये सारे एक्शन जो है योगा में भी हैं. और उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके 3 महीने के अंदर 4 महीने में कम से कम बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो बाकायदा तौर पे काम कर सकें और कहीं भी जा के वो परफॉर्म कर सकें. और पाकिस्तान में थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है क्योंकि हमारा एक सोचने का अंदाज अलग है, मगर उसके अलावा अलहमरा आर्ट काउंसिल हमें बहुत हेल्प कर रहा है. अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है वो बहुत हमारी हेल्प कर रहा है. मैंने PNCA में काम किया, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में, और उसके अलावा मैंने बाहर के काफ़ी अकेडमीज में जाके, चाइना गई, वहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने जाके वहाँ चाइनीज़ जो स्टूडेंट थे उन लोगों को मैंने कथक सिखाया, सूफ़ी सिखाया, उन लोगों को पाकिस्तान के मुतालिक बताया. और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं जो आर्टिस्ट हैं वो हम पाकिस्तान के क्या अपने मुल्क के बेहद मतलब चाहते हैं मोहब्बतों के साथ के सफ़ीर हैं हम उनके, और हम चाहते हैं कि हमारा जो फ़न है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, उसको आप बहुत प्यार करें, और हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. डांस इज पोइट्री एंड यू नो सेंसिटिव एक्शन एंड नृत्य. मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इजहार जो मेरे जज्बात का है वो एक शायरी के अंदाज में, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं, जैसे अहमद फराज है, जैसे मिर्ज़ा गालिब हैं, हम लोगों ने उस पर भी काम किया है और हम काम कर रहे हैं काफ़ी. और हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी हो सकता है हम लोग बेशुमार लोगों को ये पैगाम भेजें कि हम लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं और हम आप लोगों के साथ मिल के चाहते हैं. मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारे उस्ताद हैं और हम लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा एक हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है कथक करते हैं, मगर हम लोग जो हैं हम लोगों ने ये शुरू किया मैंने कि हम रागों पे, तराना पे हम लोग एक नए अंदाज से पेश कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि लोगों को पता चले कि जी ये पोइट्री है या ये क्या औरत का एक अंदाज है, क्या इजहार है, या मोहब्बत है या नफरत है. और उन लोगों को और अपने सब बच्चों को मैं चाहती हूँ कि ये इस चीज़ों को पहले समझें.